ऐशु शबाज एंड वेलकम टू माई चैनल ऐशु शबी स्कैप है। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपनी फैमिली के साथ अपने एग्जामान में रखें। तो आज बनाएंगे बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी मज़े का मैंगो फ्रूटी ड्रिंक। तो रहिएगा मेरे साथ, बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हैं मेरे पास मैंगोस, अंबियाँ या रो मैंगो कह लीजिए, कच्चा आम कह लीजिए, ये मैंने लिए हैं 2 अदद, और पका हुआ जो आम है वो मैंने लिया है 4 अदद। तो इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और इसे अब हम लोग करेंगे बॉईल। ये मैंने पॉट में डाल दिए हैं और इसके अंदर 1 कप तक पानी डालूंगी मैं जी। तो 1 से 2 कप पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे इसको सॉफ्ट होने तक हम लोगों ने पकाना है। और क्वांटिटी जो मैंगोज़ की है वो आपने इसी हिसाब से रखनी है कि कच्चा आम अगर 1 है तो 2 जो है पके आम होने चाहिए, यानी वो कच्चे आम की नस्बत पके हुए आम डबल क्वान्टिटी में होने चाहिए। तो इसको करते हैं बॉयल, कवर करके मीडियम फ्लेम पर, और फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर। तो ये देखें, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये मैंगोस, और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे चूल्हे से उतार के। तो ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, स्टीम बिल्कुल इसकी रिमूव हो गई है, और 15 मिनट्स तकरीबन लगेंगे आपको मीडियम फ्लेम पे इनको सॉफ्ट करने में। तो अब मैं इसको डाल रही हूँ ब्लेंडर जग में, ब्लेंड करने के लिए मैं डाल रही हूँ जग में इसको मैंगोस को, और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, इसी तरह से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे पॉट में मैंने तकरीबन 1 कप तक चीनी ऐड कर दी है, और इसके अंदर मैं तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड करूँगी, और चीनी को जस्ट मेल्ट करना है हम लोगों ने। और अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप तक भी ऐड कर सकते हैं चीनी। मैंने यहाँ पे 1 कप यूज़ की है और 1/2 कप पानी, और चीनी के मेल्ट होने का कर रही हूँ वेट। जैसे ही मेल्ट होगी हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, और अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इस मेल्ट की हुई चीनी में हम लोग ये जो हम लोगों ने आम का गूदा बनाया था पेस्ट, इसको ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसको पुन भी सकते हैं पोनी से, अगर आपको डाउट है कि मैंगो में कोई रेशे वगैरह, तो आप इस पेस्ट को अच्छे से पहले पुन लें फिर आप ऐड कर दीजिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसी जग में 3 कप तक पानी डाल के इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लूँगी। तो पहले यहाँ पे मैंने 3 कप पानी ऐड किया था, और ये थिक काफ़ी लग रहा था मुझे, और 3 कप मैंने और इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, और ये आप चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, आप देख पा रहे होंगे ये कंसिस्टेंसी है इसकी, अभी भी ये पीने में थिक ही लगेगा जैसा कि मतलब होना चाहिए। और अब इसे हम लोग रखेंगे फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि हमें बहुत मज़े का यमी सा ठंडा यख और चिल जो है फ्रूटी चाहिए। तो रखते हैं इसको फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए। तो अब करते हैं इसको सर्व। सर्व करने के लिए हम लोग डालेंगे ग्लासेस में आइस क्यूब्स, और इसमें डालेंगे अपना यमी फ्रूटी मैंगो फ्रूटी। इतना मज़े का और यमी बनता है, ये यकीन करें आप कि कोई गेस नहीं कर पाएगा कि ये बाज़ार का है या आप लोगों ने घर पे खुद रेडी किया। तो रेडी है बहुत ही मज़े का यमी मैंगो फ्रूटी, तो मैं ट्राई करती हूँ।
इट्स सो यमी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.